डॉक्टर सिद्धिका बानो, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बेलोनोग्लॉसस। तो यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में क्या आता है? बेलोनोग्लॉसस आता है। कौन सा एनिमल पढ़ना है हमें? बेलोनोग्लॉसस पढ़ना है। तो बेलोनोग्लॉसस किस फाइलम में रखा गया है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? बेलोनोग्लॉसस को फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। और किस सब फाइलम में रखा गया है? हेमिकॉर्डेटा मीन्स बेलोनोग्लॉसस का फाइलम क्या हो गया? कॉर्डेटा। सब फाइलम क्या हो गया? हेमिकॉर्डेटा। क्लास क्या हो गया? एंटीरोन्यूस्टा। जीनस क्या हो गया? बेलोनोग्लॉसस। और स्पीसीज क्या हो गया आपकी? कैल्वी जीनस। तो बेलोनोग्लॉसस कैल्वी जीनस हम कहेंगे। तो उसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया? फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, क्लास एंटीरोन्यूस्टा, जीनस बेलोनोग्लॉसस और स्पीसीज क्या है? कैल्वी जीनस। ये था बेलोनोग्लॉसस का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं ये एनिमल कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, मीन्स हैबिटेट क्या है, इसकी हैबिट क्या है। तो बेलोनोग्लॉसस कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, मीन्स ये गहरे समुद्र, कुछ तटीय उथले सागर में भी पाए जाते हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो ये भूमध्य सागरों, ब्रिटिश द्वीपों में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? गहरे भूमध्य सागरी जलों में और ब्रिटिश द्वीपों में पाया जाता है। कुछ इनकी स्पीसीज जो होती है वो गहरे समुद्र में भी पाई जाती है। ये समुद्र तल पे यू शेप का बिल बना के, मीन्स कैसा इनके बिल का आकार, और बिल में रहते हैं और कैसे इनका बिल कैसा होता है? यू शेप का होता है, मीन्स कभी कभी ब्रांच भी बना लेते हैं ये, ठीक। मीन्स इनका जो बिल है वो कैसा है? यू शेप। ये बरोइंग एनिमल है, यानी बिल खोदने वाले जंतु हैं, और ये यू शेप का बिल बना के रहते हैं। इसके अंदर ये बेलोनोग्लॉसस ये पड़ा हुआ है, ठीक। ये आपका बेलोनोग्लॉसस हो गया। एंटीरियर जो पोर्शन है वो कैसा है आपका? बिल का जो एंटीरियर हिस्सा है वो फनल यानी कीप के आकार का, ये देखिए कीप की तरह का होता है। कभी कभी ये क्या करते हैं, साइड में एक साइड ओपनिंग भी बना लेते हैं। तो ये आपकी फनल शेप्ड ओपनिंग, ठीक। ये साइड ओपनिंग, ये साइड ओपनिंग बना ली। ये क्या आपका बेलोनोग्लॉसस है, ठीक। ये एनिमल पर इनके पोस्टीरियर यानी कि जो इनके पिछला बिल का जो पिछला सिरा है, पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे क्वाइल, ये फीकल मैटर, यहाँ पे फीकल मैटर जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और ये क्वाइल फीटर मैटर एक कलेक्ट कर लेते हैं। वाइल्ड फीकल मैटर, ठीक। तो इनका बिल कैसा हो गया? यू शेप्ड हो गया। ये हॉरिजॉन्टल इसकी लिंब हो गई, यहाँ पे ये वर्टिकल लिंब हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लिंब हो गई। कैसे हम पहचानेंगे कौन सा इंटीरियर ओपनिंग है, कौन सी पोस्टीरियर ओपनिंग है? इंटीरियर जो ओपनिंग होगी वो कीप जैसे होगी, मीन्स फनल लाइक स्ट्रक्चर होगा, और पोस्टीरियर ओपनिंग पे क्या होगी? फीकल मैटर जो है वो गोल 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 यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा ढेर सारे। बेलोनोग्लॉसस को और भी क्या बोलते हैं? बेलोनो मीन्स क्या होता है? एक प्रॉन यानी ओक का एक फल होता है, तो वो कैसे दिखते हैं? ओक के फल की तरह, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एक प्रॉन वॉर्म भी बोला जाता है इसे, और इसे टंग वॉर्म भी बोलते हैं। मीन्स ये इनकी जो प्रोबोसिस और कॉलर रीजन है वो किस शेप का है? आपके टंग यानी आपके जबान की तरह है, तो इसे टंग वॉर्म भी बोला जाता है। ये कैसे हैं आपकी? ट्यूबिकोलस। ट्यूबिकोलस मीन्स नालाकार, यानी ये एक नली जैसा होल बेलनाकार एनिमल है,
और कैसे हैं? बरोइंग यानी बिल खोदने वाले हैं। तो ये अपने प्रोबोसिस से समुद्र के तल में जो रेत होती बालू होते हैं उसमें प्रोबोसिस से ये अपने बिल खोदते हैं। अब इनकी जो बॉडी में है वो श्लेष्म सेल पाई जाती है यानी श्लेष्म कोशिकाएं पाई जाती हैं जो श्लेष्म यानी कि सिक्रीशन एक चिपचिपा सा सिक्रीशन सिक्रीट करती है जिससे जो रेत के कण है वो चिपक जाए और वो गिरे नहीं उसमें, नहीं तो उसमें गिर जाएंगे तो बिल इनका भर जाएगा। तो ये स्लेस्ट से अपनी रेत को चिपकाए रहते हैं, इनकी रेत बिल की जो दीवार है वो चिपकाए रहते हैं रेत के कर उसमें। तो इनमें तीन तरह की म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी? ग्लोबलेट, रेटिकुलेट एंड मलबरी। तो ग्लोबलेट सेल्स जो होती है वो कैसी होती है? फ्लास्क लाइक, फ्लास्क के आकार की होती है। और ग्लोबलेट कैसी होती है? ये आपकी जाली की तरह होती है, जाली का युक्त होती है, ठीक। और मलबरी जो होती है वो दानेदार होती है, ठीक। ये तीन तरह की सेल्स होती हैं जो म्यूकस सेक्रेट करती हैं जिनसे ये रेत के कण को चिपका के रखते हैं। इनमें इनकी बॉडी में एक आइडोफॉर्म की स्मेल आती है, तो उससे आइडोफॉर्म की स्मेल की वजह से हम इन एनिमल्स को पहचान लेते हैं कि यहाँ पे ये एनिमल्स हैं। अब इनके स्ट्रक्चर फीचर्स के बारे में अगर हम देखें तो इनकी बॉडी कैसी है? एक बेलनाकार यानी बेलनोग्लासेस कैसा है? बेलनाकार ये एनिमल है। इनकी बॉडी को तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये बॉडी इतनी मीन्स प्रोबोसिस, कॉलर और ये पूरा जो बेलनाकार हिस्सा है इतना ये बॉडी का, ये क्या कहलाता है? ट्रंक कहलाता है। प्रोबोसिस जो है वो आगे का पोर्शन, आगे का पार्ट होता है और कैसा होता है? कॉनिकल यानी नुकीला पार्ट होता है जिससे वो बिल खोदते हैं। प्रोबोसिस के नीचे और ट्रंक के ऊपर यानी बीच का जो पोर्शन होता है वो कॉलर कहलाता है। ये कैसा? एक यहाँ पे पट्टी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं कॉलर। प्रोबोसिस और कॉलर जो है जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो प्रोबोसिस जो है वो यहाँ पे एक स्टाल की तरह से लगी रहती है। तो ये क्या यहाँ पे प्रोबोसिस स्टाल से ये जुड़ा रहता है कॉलर से। प्रोबोसिस और कॉलर पे यहाँ पे आपका एक कर्व रहता है जिसे हम बोलते हैं कोलेट्रेल। यहाँ पे इसका कोलेट्रेल में क्या, माउथ, कोलेट्रेल से क्या घिरा होता है? माउथ घिरा होता है। मीन्स जब हम इसका पोर्शन काटेंगे तो हमें कैसा दिखेगा? प्रोबोसिस जो है ये ऐसे स्टार जैसे दिखेगी और यहाँ पे ये क्या है कॉलर में आपके सिलोम है, ये इसका माउथ है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? ये प्रोबोसिस हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? माउथ हो गया, ठीक। ये क्या आपका कॉलर, ठीक, कॉलर हो गया। इसके बॉडी का ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? ट्रंक कहलाता है। ट्रंक को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? जहां पे ये आप गोल गोल छेद देख रहे हैं ये क्या है? आपकी गिल ओपनिंग है। ये क्या है? गिल स्पोर है। तो ये रीजन जहाँ पे गिल्स पाई जाती है वो रीजन क्या कहलाता है? ब्रैंकियल रीजन। इसके बाद यहाँ पे आप ये देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसे उभार दिख रहा है आपको, ये क्या है? आपका हिपैटिक सीका है। तो ये जहाँ तक हिपैटिक सीका पाए जाते हैं वो क्या है? हिपैटिक रीजन। ये हिपैटिक रीजन हो गया। इसके बाद सीका के बाद का पोर्शन यानी एनस तक का पोर्शन क्या कहलाता है? पोस्ट हिपैटिक रीजन। ये क्या हो गया? पोस्ट हिपैटिक रीजन, ठीक। इसमें क्या हो गई? एनस प्रेजेंट होगी, एनस। तो बॉडी इसकी कितने भाग में डिवाइड है बेलोनोग्लासेस की? तीन पार्ट में। नंबर वन प्रोबोसिस, नंबर टू कॉलर, नंबर थ्री आपका ट्रंक। ट्रंक को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, ब्रैंकियल रीजन, हिपैटिक रीजन और पोस्ट हिपैटिक रीजन। ब्रैंकियल रीजन में क्या होता है आपका? गिल्स प्रेजेंट होती है और क्या होते हैं आपके? गोनाड्स। ये आप जो स्वेलिंग फूला फूला सा भाग देख रहे हैं ये क्या आपका? गोनाड है, ठीक।
ये गुणार्थ प्रेजेंट है। गिल्स की ओपनिंग जो है, जैसे जैसे एनिमल की एज बढ़ती जाती है, ये गिल्स ओपनिंग की संख्या भी बढ़ती जाती है, यानी जितने पुराने एनिमल्स होंगे उनमें इतनी ही ज्यादा गिल्स ओपनिंग होगी। जो गोनाड हैं और ये गिल्स हैं, वो एक डॉर्सल विंग से ढके रहते हैं। मीन्स ये आप देख लें इस पे कैसे ये एक विंग होती है, पंख जैसे झिल्ली होती है, ये इसको ढके रहती है। तो ये क्या है आपकी कर्व जेनाइटल विंग्स हो गई आपकी। इसके बाद यहाँ पे विंग्स के गोनाड को ढके रहेंगे और गोनोपोर जो होंगे बहुत छोटे माइन्यूट टाइप के होंगे। जो गोनोपोर, गोनोपोर्स क्या होते हैं, जो गोनाड को, जहाँ से गोनाड रिलीज होते हैं, निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं गोनोपोर। तो गोनोपोर क्या होगा, बहुत सूक्ष्म पोर होंगे इसमें। इसके बाद गोनाड के बाद का ये पोर्शन ट्रंक का क्या कहलाता है, हिपैटिक रीजन। हिपैटिक रीजन में क्या प्रेजेंट होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी उंगली जैसे उभार है, वो क्या है आपका हिपैटिक सीक का प्रेजेंट होंगे। इसके बाद के ये पोर्शन क्या कहलाते हैं आपका, पोस्ट हिपैटिक रीजन, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा आपका एनस प्रेजेंट होगा। थैंक यू।